दोस्तों नमस्कार। ECL की तरफ से आप देख सकते हैं अप्रेंटिसशिप 2023 का आ चुका है, तो उसके लिए क्वालिफिकेशन सिर्फ ITI है। तो टोटल पोस्ट देख लेते हैं, इसमें 484 है, तो बहुत बड़ा आपका चांस है। ECL जो इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है लिमिटेड होता है, उसमें ECL की तरफ से आपका न्यू रिक्रूटमेंट आया है जो अप्रेंटिसशिप यानी 1 ईयर के लिए अप्रेंटिसशिप होगा। तो ECL में दोस्तों अप्रेंटिस करने के बाद क्या होता है कि यह कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे 3 से 4 साल के लिए रखता है। तो आप लोग इसमें प्रीफर कर सकते हैं, अप्रेंटिसशिप फॉर्म डाल सकते हैं। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वह ITI पे जो मेरिट होता है बनता है, जो ITI में जितना आप नंबर पाए हैं, ज़्यादा जो नंबर पाया होता है स्टूडेंट, उसका इसमें सिलेक्शन 100% होता है। तो चलिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, ECL ए पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एटोमिक एनर्जी इज इन्वाइटेड ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर इंगेजमेंट ऑफ ITI ट्रेड अप्रेंटिस एट ECL हैदराबाद। ये कहाँ कंडक्ट होगा आपका? ECL हैदराबाद में आपका पोस्टिंग होगा, यानी अप्रेंटिस हैदराबाद में होगा। अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के तहत आपका होगा, जिसमें आप वैकेंसी नंबर ऑफ सीट देख सकते हैं। देखिए EM का 190 पोस्ट है, इलेक्ट्रीशियन का 80 पोस्ट है, फीटर का 80 है, RAC का 20 है, टर्नर का 20 है, मशीनिस्ट का 15, मैकेनिज्म का 10 है, कोपा का 40 सीट है, वेल्डर का 25 है और पेंटर का 4। टोटल 484 पोस्ट है, ठीक है। तो 20% यहाँ नीचे देख सकते हैं, 484 सीट है, 20% सीट, 20 सीट वीड बी हॉरिजॉन्टली रिजर्व PWD BD कैंडिडेट के लिए है, PWD कैंडिडेट के लिए है, उसके लिए 20 सीट है। तो बात करें जो 2 ईयर का ट्रेड होता है, 2 ईयर जो ट्रेड ड्यूरेशन होता है, अवधि होता है, उसके लिए 8,050 रुपये आपको मिलेगा। जैसे 2 ईयर के लिए आप देख सकते हैं मैकेनिज्म, मशीनिस्ट, टर्नर, RAC, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, EM, ठीक है, इसके लिए 8,050 रुपये आपका पे मतलब पर मंथ मिलेगा। कंस्ट्रक्चुअल देख सकते हैं, मंथली स्टिपेंड मिलेगा और 7,700 आपको मिलेगा कोपा, वेल्डर और पेंटर का, ठीक है। तो 484 पोस्ट है और इसका आगे देख लेते हैं हम, एज कैटेगरिया देख लेते हैं। तो एज आपका कैंडिडेट का कितना, लेस देन 18 से कम नहीं रहना चाहिए और 21/10/23 तक 18 साल हो जाना चाहिए। और अपर केस में बात करें तो जनरल के लिए 25 ईयर रखा गया है और OBC के लिए 28 ईयर, क्योंकि 25 साल ही होता है लेकिन 3 साल छूट होता है, मिला के 28 साल तक भर सकते हैं। और ST SC जो कैंडिडेट हैं 30 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। तो अप्रेंटिसशिप जो पीरियड होता है, द टेन्योर अप्रेंटिसशिप वुड बी 1 ईयर ओनली, विल बी कॉमन्स फ्रॉम द नवंबर 2023, यानी नवंबर 2023 तक आपका कंप्लीट मतलब ज्वाइनिंग करा दिया जाएगा, उससे 1 साल तक आप रहेंगे। जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है ITI सर्टिफिकेट, NCVT सर्टिफिकेट दे रेस्पेक्टिव, देखिए यहाँ पे NCVT दिया है, नॉट फॉर SCVT। कोई भी स्टेट से अगर ITI किया है तो वह वैलिड नहीं है, केवल NCVT मांगा है, ठीक है। और एक बात और दोस्तों, जो भाई हमारे जो गवर्नमेंट ITI से किए हैं, ठीक है, उनको 70% सीट विल बी इंगेज होगा। जो सिलेक्शन होगा, पहले तो सिलेक्शन कैंडिडेट विल बी सिलेक्टेड बेस ऑन द ITI मार्क्स मेरिट, तो ITI मार्क्स मेरिट पे सिलेक्शन होगा। और उसमें भी कंडीशन है, जैसे 70% जो सीट है वह गवर्नमेंट ITI का जो स्टूडेंट है उनके लिए होगा, और 30% जो 30% सीट है वह प्राइवेट ITI के लिए होगा। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे, यहाँ दे सकते हैं, पहला में दिया है कैंडिडेट विल बी सिलेक्टेड बेस ऑन द ITI मार्क्स मेरिट, दूसरा है बी वाला 70% ऑफ सीट विल इंगेज्ड विथ गवर्नमेंट ITI स्टूडेंट एंड 30% ऑफ सीट विल प्राइवेट ITI स्टूडेंट, तीसरा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी 16/10/2023 टू 21/10/2023 हो जाएगा, और एक्सटेट डेट विल बी इंटीमेट बाई ईमेल टू कैंडिडेट, मतलब ईमेल के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा, ठीक है, विथ इन शॉर्ट, जब शॉर्ट लिस्ट होगा तो उसके लिए भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इतना के बीच में बुलाया जाएगा, ठीक है।
और वेन्यू ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ होगा? इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कॉर्पोरेट लर्निंग एंड डेवलपमेंट सेंटर, नालंदा कॉम्प्लेक्स टायर फोर ECL हैदराबाद। तो इस एड्रेस पे आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग फॉर्म को जरूर फिल करिएगा, इसमें कोई फीस नहीं लगेगा। ठीक है, अप्लाई कैसे करना है? तो स्टेप वन में पहले आपका MSDE जो www.apprenticeportal.gov.in है उस पर रजिस्ट्रेशन आपको कर लेना है अपना। और दूसरे जैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे तो स्टेप टू में www.ecl.com.in पर जाएंगे, फिर करियर पे जाएंगे और करियर जॉब ओपनिंग में जाएंगे तो आपको यह वैकेंसी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यह वैकेंसी पूर्ण रूप से ऑनलाइन होगा और आप इम्पॉर्टेंट डेट्स देख सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन का डेट है 25/9/2023 यानी 10 बजे से शुरू हो जाएगा और लास्ट डेट आपका 10/10/2023 तक रहेगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 16/10 से 21/10 तक होगा और कंप्लीट ऑफ ज्वाइनिंग फॉर्म फॉर्मेलिटाइज 31/10/2023 तक। ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटाइज जो भी होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह करने के बाद कर लिया जाएगा 31/10/2023 तक। और अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग विल स्टार्ट, अप्रेंटिसशिप स्टार्ट हो जाएगा 1/11/2023 से। तो कितना अच्छा यह दिया है कि सभी पहले से ही बता दिया है। वैसे ही दोस्तों हर वैकेंसी में चाहिए कि हर समय से, मतलब कोई भी वैकेंसी आती है तो उसका फुली डिटेल जैसे इस तरह दिया है वैसे सभी का बता देना चाहिए, तो वैसे बच्चे भी अस्वस्थ हो जाते हैं नहीं इतना दिन में हमें ज्वाइनिंग मिल जाएगा। तो आई होप ये वीडियो छोटा सा आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होगा और ऐसे ही हम अप्रेंटिसशिप का कोई भी न्यू रिक्वायरमेंट आता है तो सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से आप लोग को प्रोवाइड कराते हैं। तो आप लोग नहीं जुड़े हैं हमारे चैनल से तो सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने सारे दोस्त फ्रेंड्स की में फॉरवर्ड कर देंगे। और इस चैनल के माध्यम से जो भी ITI के स्टूडेंट, इलेक्ट्रीशियन के स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हम रेगुलर वीडियो डालते रहते हैं टेक्निकल का। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।